वीडियो शुरू करें उसके पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। आजकल सिक्के बिकवाने के लिए फॉर्म चार्जेस, बैंक चार्जेस अथवा रजिस्ट्रेशन शुल्क के नाम पर ठगी की जा रही है। आप सावधान रहें। हमेशा याद रखें, सिक्के बेचने के लिए पैसे नहीं देना है और पूरी दुनिया में एक भी ओरिजिनल ओल्ड कॉइन बायर कंपनी नहीं है। सिक्के बिकवाने के नाम पर राजज्ञानी, द करेंसीपीडिया अथवा द करेंसीपीडिया के एम्प्लॉय के नाम से कोई भी पैसों की डिमांड करता है, तब आप तुरंत समझ जाइए कि वह फ्रॉड है। सही, सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप द करेंसीपीडिया के सभी वीडियो देखें। आइए शुरू करते हैं। सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम है राजज्ञानी और आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद और विश्वसनीय, सच्चाई और ईमानदारी में नंबर एक, विश्व भर में ख्याति प्राप्त द करेंसीपीडिया। एक बार फिर से दिल से स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी करेंसी की दुनिया द करेंसीपीडिया पर। दोस्तों, अभी पिछले दिनों मुंबई में एक बार फिर से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में कॉइन एग्जीबिशन लगी थी। हम भी उस कॉइन एग्जीबिशन के लिए मुंबई गए थे। शुक्रवार का दिन था और हमारे मित्र मिलन भाई शाह जी भी पधार चुके थे और अपनी होटल के बाहर हम जैसे ही निकले, हमें एक बार फिर से किशोर झुंझुनवाला जी अपनी मनपसंद नंबर वाली कार में लेने के लिए आ गए और उस कार में होटल से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जाने तक बीच में जो मार्ग में हमारी बातें हुई, जो अनौपचारिक वार्ता हुई, उस वार्ता के कुछ अत्यंत निजी पल हमने कैमरे में कैद कर लिए और उन्हीं निजी पलों को आपके साथ साझा कर रहे हैं इस वीडियो में। इस वीडियो को ध्यान से देखने से आप जान पाएंगे कलेक्टर और व्यापारी में क्या फर्क होता है, यदि आप व्यापार करते हैं तो आपको किस तरीके से व्यापार करना चाहिए, फोकस कैसे करना है, क्या करना है, किस पर करना है, झुंझुनवाला सरनेम कैसे पड़ा और झुंझुनवाला सरनेम के पहले ओरिजिनल सरनेम क्या था, गोत्र कितने होते हैं, पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य के पहले इनका शासन था और ऐसे कौन से किले हैं जो जले हुए पड़े हैं और आज भी खुदाई में वहां पे सिक्के निकल रहे हैं। ऐसी ही बहुत सारी बातें अनौपचारिक वार्ता में निकल कर सामने आई। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं हमारी मुंबई कॉइन एग्जीबिशन की यात्रा, जिसमें हमने ज्यादा वक्त बिताया था किशोर झुंझुनवाला जी के साथ, लेकिन हम मुंबई काइन एग्जीबिशन में भी गए थे और वहां पे भी बहुत से लोगों से मिले थे। तो वह सभी वीडियो भी आपकी सेवा में आएंगे बहुत ही जल्द, एक के बाद एक। तो आप बने रहें और देखते रहें। और एक निवेदन है, यदि आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए हुए पूरा अंत तक देखेंगे तभी आपको मजा आएगा। वीडियो शायद थोड़ा लंबा होने वाला है, तो आप इत्मीनान से रिलैक्स होकर बैठ जाइए और इस वीडियो का आनंद लीजिए। 69 ईयर के किशोर झुंझुनवाला के जीवन भर के अनुभव अनौपचारिक वार्ता में कैसे एक एक कर उन्होंने सुना दिए, यही सब देखेंगे, सुनेंगे, जानेंगे और कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास करेंगे इस वीडियो से। आइए, आपका ज्यादा वक्त न लेते हुए शुरू करते हैं। आप हम पे इतना कर्जा क्यों चढ़ाते जा रहे हैं? कर्जा पिछले जन्म का छुपा रहा हूँ, मतलब पिछले जन्म में कर्जा लिया होगा आपका, वो छुपा रहा हूँ। जो मैं ऐसा तो नहीं बोलूंगा कि अभी दे रहा हूँ अगले जन्म। जो इन्वेस्टमेंट लाइन में बड़े बड़े धुरंधर हैं, जो अपने आप को समझते हैं, ये तो नहीं, लेकिन जो समझते हैं, अगर उनको पता चलता है कि किशोर जी राजज्ञानी को लेने उनकी होटल पे गए थे तो उनको ऐसी मतलब कि वो लग जाती है। सबसे बढ़िया मिर्ची आती है। सबसे देखिए झुलका, झुलका मिर्ची वो आती दार्जिलिंग में मिलती है। अच्छा, होती आसाम में। हाँ। दार्जिलिंग आसाम टच है। हाँ। उधर से लाया था मैं, बाप रे, यहाँ रख लो तो 12 बजे एक टिप खा लिया जरा कितने बिना काटे भी गए। ये क्या, बहुत दिनों से, बल्कि हम कहें कि सालों से आपसे मिलने को बेताब थे, तो मैंने कहा सर पछताओगे, कुछ मिलने वाला नहीं तो सर, कुछ चीज में पछताने में भी मजा है ना, मेरे को मिलकर कोई फायदा नहीं है, पछताने में भी मजा है। हाथ दे रहे हैं आपको, आशीर्वाद ले लें, आशीर्वाद सर पे, सर पे बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद लिए जाते थे, इसलिए मैंने परसों बाल कटवाए थे, मुझे पता था। तो साला जिंदगी में किसी ने नहीं दिया, तो इसलिए तो कह रहा हूँ बाल इसलिए परसों कटवा लिए मैंने, मुझे पता था। हेलो, लड़के पहली बार आ रहे हैं। हाँ जी, चंडीगढ़ से सीधे फ्लाइट पकड़ के आया है आपसे मिलने। सीधे फ्लाइट हो गई है, सीधी फ्लाइट जो की स्टाफ वाली थी, वन स्टाफ। अरे आज आया है कि बोला अगले 2-3 साल में 200 एयरपोर्ट ओपन इंडिया। ये आपकी वही मनपसंद कार है? वही नंबर वाली है जी, नंबर का तो नंबर पसंद है, कार तो आउट ऑफ डेट हो गई। हाँ, मतलब छोटी है, नंबर की वजह से ही तो पसंद है ना, नंबर जैसे मैं छोड़ता नहीं हूँ। क्या है कि हमारा ड्राइवर की दादी मर गई परसों,
गाँव चला गया। एक ड्राइवर और है वो लेडीज ड्यूटी में रहता है, अपन चला लेते हैं, लेडीज लोग तो चलाते नहीं है। हाँ। एक पोती है, एक बहू है, एक वाइफ है, तो तुम लोग गाड़ी से चलाते हो। पर आपके साथ जब आप ड्राइविंग करते हो और मैं बैठता हूँ तो अपने आप को और 10 साल बड़ा महसूस छोटा महसूस करता हूँ। देखो अभी आप बड़ा क्यों बड़ा क्यों कंफ्यूजन आपके दिमाग में है, टंग स्लिप हो गई, कंफ्यूजन नहीं। यार सर इधर होड़ लगी है, होड़ क्या लगी है मैं आपको दो चार बातें ऐसे जनरल बताता हूँ। और अगर आपको एक चीज प्रॉमिस करना पड़ेगा बिल्कुल, कि अगर मैं कुछ झूठ बोल जाऊँ, हाँ, कुछ गलत बोल जाऊँ, हाँ, कुछ का ज्ञान नहीं हो और ऐसी चीज बोल जाऊँ, हाँ, आप मेरे टोपोगे, जरूर टोपोगे। पर मेरे को भी ज्ञान होना चाहिए। आप तो ज्ञानी हो, नाम ही ज्ञानी है, नाम ही ज्ञानी है, बस और कुछ है नहीं जी। ऐसा है कि नाम में बहुत कुछ रखा और कुछ नहीं रखा। सही बात। जैसे मेरे पिताजी ने मेरा नाम किशोर रखा जी, लोग बोले क्या लड़का मेरा बुढ़ा नहीं होगा, हमेशा जवान रहेगा, किशोर है ना जवान, बिल्कुल सही बात, टीनेजर। हाँ। कृष्ण भगवान जब 11 वर्ष के थे जी, तो उनका नाम पड़ा किशोर, उनका अकेले का नाम था जुगल किशोर जी, यानी पैर राधा और कृष्ण मिला के उनको क्या बोला जाता है, जुगल किशोर, खाली किशोर नाम नहीं है किसी का, उनका नाम किशोरी है, उनका नाम है वृषभान किशोरी यानी वृषभान की लड़की, और नंद किशोर यानी नंद का लड़का, और वो लड़के की उम्र है, उम्र फेजिस आते हैं ना, हाँ। कुमार एक तरह की उम्र का है, तो कुमार किशोर एक ही तरह का उम्र का होना चाहिए, हम ज्यादा बोलेंगे इंग्लिश में टीनेजर। सर मैं तो देखो जी 78 वर्ष कम्प्लीट होगा, 79 चल, मेरे पिताजी नाम रखा किशोर, अब मैं क्या करूँ, आपका नाम देना ही पड़ेगा ना, आपका काम ज्ञानी है तो आपको तो ज्ञान देना ही पड़ेगा, अपने माँ बाप का इज्जत का ख्याल तो रखें। आप कुछ बात बता रहे थे, बस ये बता रहे हैं हम शाम को अपन डिनर पे साथ में चले या कल लंच में साथ में चले, दोनों पे नहीं चल सकते, तीन परसों का तो बोला ही नहीं अभी तक। मेरे मामा जो कि पाकिस्तान में ओकाड़ा में सतलज कॉटन मिल बिरला के मिल में बड़े बहुत सीईओ थे, वो बोले मैं वर्ल्ड रोड पर जा रहा हूँ जरूरत की, बोला मामा जी मैं नोट कॉइन कलेक्ट करता हूँ, मेरे को हर कंट्री का कुछ कॉइन कुछ नोट ला के दे, तीन चार महीने बाद आए इतने नोट दे दिए यूरोप के करीब करीब सब कंट्री में और पाकिस्तान के भी खूब सारे दे दिए, फिर तो बढ़ता ही गया, फिर मैं देखा घर पे दिवाली में पूजा हो रही है, हाँ। तो पूजा में सिल्वर के कॉइन है, हाँ। बोला ये कॉइन तो चलते नहीं है, घर में जो चलते हो कहीं पूजा करते, हाँ। बोला नहीं वो चांदी के करते तो अच्छा रहता है, सोना चांदी के लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है, आज भी कोई भी घर में रुपये की पूजा होती है हमारे लक्ष्मी की, चांदी के सिक्के रखते थे, फिर मुझे बहुत अकड़ता था कि राजा के ऊपर हम क्यों रोली चंदन चढ़ा रहे, राजा रानी के ऊपर, वो हमेशा मेरे को दुखता था दिल में, उस समय एक सिक्का 1 रुपए का चांदी का 4 रुपए में आता था, 4 रुपीस। गारंटी है क्या, गारंटी है आपसे मुलाकात हो गई सर, गारंटी तो किसी चीज की नहीं है, जो मिल जाए जब मिल जाए, हो सकता है मैं आपको एक थप्पड़ लगा दूं, दो लगाओ, आपको डंडा मार के सिर फोड़ दूं, सर बैच के साथ लगाओ क्या दिक्कत है, तो गुरु है एकदम तो वो चालू चीज है। कोई दिक्कत नहीं है, आशीर्वाद बनाए रखो बस, और कुछ नहीं चाहिए हमें सर, भरपूर दे दिया, एक दो बार और दे देगा, कोई बात नहीं सर। सीखने की तमन्ना है और सीखते रहेंगे आजीवन, जो आपने बोली अभी, आज फिर जीने की तमन्ना है, आपने जो कहा कि जो भैया रे मैंने गाया था गाइड पिक्चर में, यस सर, देवानंद पिक्चर के बड़े शौकीन है सर, तो क्या गाने थे, अरे बढ़िया सर, और सर हमारा वाइफ का नाम राधा है, तो हमने राधा पिक्चर के गाने निकाले, 250 सॉन्ग तो निकल गए बॉलीवुड में जिसमें राधा आता है, यस 250 आई टोटली एग्री विद, डाउनलोड करके कलर फोटो के साथ पिक्चर की पिक्चर का पोस्टर नीचे पूरा गाना 250 कैन यू बिलीव, ऐसा कोई प्राणी हो सकता है दुनिया में, नाम ऐसा नाम वर्ल्ड में हो सकता है जिसके नाम पे 250 गाने हो, मैं तो सोचा ही नहीं था, 150 तो बुकलेट खरीदी हुई मेरी 150 तो एक आने में बिकती थी सिनेमा घर के बाहर, एक आने में आपको को नहीं मालूम होगा, नहीं मुझे पता है सर, वो तो बचपन से मैं खरीदता था, मुंबई आई एम अवेयर सर। ऐसा है कि आपने अभी जो जिज्ञासा वाली बात करी, आज एक चीज की मुझे बड़ी
बड़ी ये इग्निशन बंद हुआ सर, लाइट चल रहा है तो सर ऐसा है कि हमने भी इसी तरह से, ज्ञानी सर ने भी, हमने भी इसी तरह से शुरुआत करी जस्ट यू नो टू अंडरस्टैंड द थिंग। बट आज की जो नई जनरेशन है, नए कलेक्टर है, उनको देख करके सर बड़ा दुख लगता है। वो ये सब चीज़ों में इंटरेस्टेड ही नहीं है, उनको ये समझता है इसका कितना आएगा बस। ये मैंने उसको बोला था, नेवर वैल्यू योर कलेक्शन, नेवर रिमेम्बर योर कलेक्शन वैल्यू, नेवर रिमेम्बर, नेवर, बिकॉज तुमने बेचने के लिए नहीं लिया, नहीं लिया एग्जैक्टली। मेरे को कुछ नहीं मालूम, मेरे को नहीं मालूम आज भी मेरे को कितने में लिया, बोला मेरे को नहीं मालूम, मालूम ही नहीं तो क्या बताऊं, क्यों बताऊं। अनफॉर्चुनेटली इवन सब पीपल आर फॉरगेटिंग इवन कलेक्टिंग, वो खाली खरीदना ही समझ रहे हैं, पांच पांच सात सात ले लेते हैं, खरीदना ही समझ रहे हैं, दैट इज नॉट कलेक्टिंग। खरीदने का पैसा नहीं है और पांच पांच खरीद रहे। सर मैं बोल रहा हूँ, क्यों बोला, एक किस में कमाएंगे हम, एक कमाने का और बिजनेस नहीं है क्या तुम्हें? खरीदना तो मेरा बहुत बड़ा थ्योरी है कि मान लो कोई एक पर्टिकुलर नोट है इंडिया में वर्ल्ड में, वो दस पीस है खाली, और तुम पांच रख लेते हो, दैट मीन्स आप चार पांच लड़के से शादी करते हो, बदले में चार लड़के दुनिया में कुंवारे रह जाते हैं। बहुत सही सोच, छोड़ो जाने दो किसी के कलेक्शन में, उसको हैप्पी होने दो। तुमको ब्लैकलिस्ट कर, ब्लैक करना है ना, चांदा सोना भरो ना, जिसके लिए कोई भूखा नहीं मरेगा। अनाज भरोगे ब्लैक करने को, लोग भूखे मरेंगे। एग्जैक्टली तुम लोगन भरो, चांदी सोना भरो, कुछ भरो और चीज भरो। यानी जी किशोर सर, मेरी आप दोनों से एक सिंसियर रिक्वेस्ट है कि ये जो आज की नई पीढ़ी की जो सोच हो रखी है कलेक्शन को लेकर के, उसके ऊपर सर एक वीडियो बनाइए प्लीज। इट इज मस्ट, बनाते हैं, मस्ट सर, बनाएंगे सर। मतलब इतना दुख होता है कि सर कोई नया बंदा है, बोले इसका क्या मिलेगा। अरे भाई तेरे को समझ नहीं है, तू सो क्या, तेरे हाथ में तेरे को वो पता नहीं है, और तू क्या मिलेगा सोच रहा है। आपको फोकस, जब घोड़ा चलता है ना, घोड़ा गाड़ी, मुंबई में घोड़ा गाड़ी थी तो इधर दो चमड़ा लगा रहता था, दो क्यों लगता है, मैं पूछा भी आगे देखे रहे, बोलो सिर्फ वो एक देखना, इधर उधर नहीं देखने का, वो फोकस नहीं है किसी को, किसी को भी। यही समझ रहे सर, अल्टीमेटली दे आर लुकिंग एट द बॉटम लाइन, प्लीज अंडरस्टैंड दिस इज नॉट अ बिजनेस। सभी लोगों को फोकस करना बहुत जरूरी है, हाँ, कि वो चाहते क्या है, हाँ, आपको बिजनेस छोड़ना पड़ेगा, हाँ, इसको 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 ये व्यापार नहीं है। यदि आप इसमें व्यापार करोगे तो कलेक्शन नहीं करोगे, कलेक्शन नहीं कर पाओगे, और व्यापार करने के लिए बहुत सारी दूसरी चीजें हैं ना, इसीलिए इसका करो ना व्यापार, फिर कलेक्शन छोड़ दो ना, हाँ, व्यापार करो, हाँ, नहीं तो इसीलिए जो व्यापारी है वो कभी भी बड़े नहीं हो पा रहे, उसका मैं सीधा सीधा एग्जांपल्स दे सकता हूँ। आपने इन्होंने इनको पूरा पूरा अंडरस्टैंड फुल्ली, दिस गाय अंडरस्टैंड फुल्ली व्हाट आर द कंडीशन टू बिकम ए टॉप कलेक्टर, कलेक्टर टॉप कलेक्टर। सर पहले आप कलेक्टर तो बन जाओ, टॉप की, फर्स्ट की, सेकंड की रैंकिंग की परवाह छोड़ो। सबसे पहला सवाल होता है मेरे पास, आते लोग हमको भी कलेक्शन करना, मैं बोला साहब आपका एम क्या है, आपका गोल क्या है, जिंदगी में गोल क्या है। आप गए उधर, किशोर भाई ने किताब लिखा, हाँ हमको भी कलेक्टर बनना है, वो एग्जीबिशन में चार देगा, हमको भी बनना है। तुमको तुम्हारा गोल ही नहीं मालूम, तुमको करना क्या है जिंदगी में, भटक रहे हो। मैं भी भटका, मेरे को नहीं मालूम था मैं क्या नोट में कलेक्ट करूंगा, और 10-15 साल के बाद मेरे को समझ में आ गया क्या करना है। मैंने सारे फॉरेन के कौन हटाए, सब कुछ हटा दिया, मैंने डिसाइड किया मैं खाली इंडिया के इंडिया के रिपब्लिक ब्रिटिश इंडिया के कॉइन कलेक्ट करूँ किया मैंने। उसका जब सिचुएशन आ गया तो मैंने बोला नहीं, अभी दो घोड़े पे मैं नहीं चढ़ सकता। आई रियलाइज कि भाई इसमें इतना रुपये लगेगा, इसमें उतर गए, मैं दोनों नहीं कर सकता, तो दोनों में से एक करूँ मैं। तो मैंने बोला भाई कॉइन वाले तो 50 है सर, नोट वाला एक भी नहीं, मैंने कॉइन निकाल के वो किया। किशोर सर ने अब जो ये कहा कि मुझे दो घोड़े पे सवार नहीं होना है, नाउ अंडरस्टैंड एंड एनालाइज दैट पर्टिकुलर लाइन, कि उस फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट के अंदर भी उन्होंने अपनी हॉबी को जारी रखा और उन्होंने एक घोड़े को डिसाइड किया और उस लाइन पे चले हैं, तब जाकर के वो ये स्टेज पे है। आप ये सोचोगे कि भाई मैं इस पे लगा दूं और मुझे इतना मिल जाएगा, देन यू आर नॉट अ कलेक्टर। सर किशोर सर, इस सिचुएशन को बहुत ही ज्यादा सीरियसली हमें लेना होगा, अदरवाइज नेक्स्ट जनरेशन जो है सर ये कभी भी कलेक्शन नहीं कर पाएगा। सर ये क्या है, अपन करेंगे, सब हाँ, करेंगे, हाँ, कभी मैं हतोत्साहित नहीं होता, निराश नहीं होऊंगा, हाँ, मैं सर, कभी गिव अप नहीं करूंगा ये सोच के, हाँ, कि लोग मेरी बात नहीं मानेंगे, हाँ, मेरे को मालूम है कोई नहीं मानने वाला, मजा मजाक उड़ाएंगे। मैं तो 1,00,000 में अगर 10 जन भी मान ले मेरे लिए काफी है, आपके लिए काफी है।
पर वो नहीं करेगा उसके लिए अपने अपने को थोड़ा छोड़ना। अभी आप देखो वो लड़की कितने खुश हो गई, कितना धुआं अंदर से दिया हुआ। मैं तो वहीं का वहीं हूँ, मैं उसको नहीं 99% लोग नहीं छोड़ते। एंड दैट इज वी आर देन आई एम हियर एंड हियर ओनली योर बता देता हूँ वी आर वैल्यूइंग द ह्यूमन बीइंग। सर जाइए, हमको कुछ नहीं मिलता सर, हींग लगे ना फिट करी, मेरा कुछ नहीं लगा, मैं तो वहीं का वहीं हूँ। उसको नहीं छोड़ता तो भी यहाँ पहुंचता, उसको छोड़ दिया तो भी यहाँ पहुंचा। इतने कॉमन सेंस भी नहीं है लोगों को। अरे आप इंसान नहीं ला सकते, दूसरा गाड़ी तो बहुत ला सकते हो। एनी क्रिएचर, कुत्ता बिल्ली भी होते क्या उनमें जान नहीं है क्या? आई टोटली एग्री सर। सर अपन ने ह्यूमन अपने को सबसे होशियार बोलता हूँ मैं, वो तो सबसे गुंडा, सबसे बदमाश, सबसे नालायक, सबसे मतलबी इंसान है। किसी को नहीं छोड़ा, सबको मार मार के खा गया। न दरिया में छोड़ता, ना हवा हवा में चढ़ न जमीन पे छोड़ता, सबको मार मार के खा जाता। ऑल्दो उनके पास वेजिटेरियन है, शाकाहार है, फिर भी भगवान ने दांत भी शाकाहार के दिए, उसके नहीं दिए फिर भी मार सब कुछ वेजिटेरियन किया है। नॉनवेज का कुछ है, कोई सिम्टम ही नहीं अपने पास, न तो अपने नाखून ऐसे होते हैं। आज मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मान रहा हूँ सर कि दो बहुत ही सीनियर सुलझे हुए कलेक्टर के साथ में मैं हूँ। कलेक्टर सर क्या बाल तो है नहीं, सुलझेंगे कहाँ से? आग बाल उलझते हैं लोगों के, सुलझ के तो बाल निकल गए। करो बोले बाल उलझ गया। और ज्ञानी जी तो वैसे ही पगड़ी मानते हैं तो उलझने का सवाल ही नहीं है। सर नेटिव प्लेस झुंझुनू, डिस्ट्रिक्ट झुंझुनू, गांव चिड़ावा, 30 किलोमीटर। और झुंझुनू वाला सरनेम क्यों पड़ा वो भी बता दो। बताइए सर, उसके पीछे हिस्ट्री है? नहीं सिस्टम है, एक सिस्टम है। हम लोग झुंझुनू का है, झुंझुनू छोड़ के दूसरे गांव में गया, उधर हमारा नाम रखा गया झुंझुनू वाला। हमारा ओरिजिनल सरनेम गया उधर, लॉस्ट। ये सिस्टम था 500 वर्ष पहले, 400 वर्ष पहले, 300 वर्ष पहले, अंग्रेजों आने के पहले। अंग्रेज आने के बाद में सिस्टम सरनेम सबका फ्रीज हो गया। सर हमारा ओरिजिनल सरनेम ऐसा, चलो ना सबसे पहले तो इंसान जी, इंसान के अंदर हिंदू सनातनी, सनातनी के आगे बोल तो बनिया, अब बनिया के आगे डिफाइन होता अलग अलग ब्रांच आती है। तो हम लोग अग्रवाल है, हम लोग तो हमारे जिसको सिंपल 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 लगाना है या जिसका सरनेम टेढ़ा मेढ़ा होता है, हमारे एक आदमी का सरनेम है जलेबी चोर, एक कप है उल्टे सीधे होते हैं, तो वो लोग के बच्चे आके सीधा अग्रवाल कर दिया। अच्छा, तो अग्रवाल सरनेम ब्रॉड है, 3 करोड़ 4 करोड़ लोग होंगे अग्रवाल। सर जलेबी चोर तो ऑफिशियल सरनेम है मेरे गाँव में। अच्छा, 5-10 पीढ़ी पहले उन्होंने जलेबी चुराई थी, जलेबी सरनेम चल रहा है आज भी, जलेबी गाँव में आज वही है। अब वो नेचुरली वो आदमी तो सरनेम बदली करेगा ही ना, भारत बिल्कुल करेगा। अंग्रेजों ने सब फ्रीज कर दिया सर, जो स्कूल में लिख दिया या हॉस्पिटल में नाम लिख दिया, बच्चा पैदा हुआ गया वो आपका सरनेम बन गया, खत्म। फिर आप डॉक्टर कहे आपका सरनेम डॉक्टर, आप डॉक्टर नहीं हो, आपका जो सरनेम आपका सेम है लखपति, आपके एक पैसा है नहीं, यू कांट चेंज। फिर चेंज करता है, एफिडेविट करना पड़ता है सरकार को, गजट में निकलता है ये आदमी ने अपना सरनेम चेंज किया, ऐसे सिस्टम से होता है। तो सर क्या उसके बाद हमारा एक, उसके बाद का हमारे 16 गोत्र होते उसमें, जिंदल मिंदल मिद्दल गर्ग मंसल, ऐसे सरनेम गोत्र होते, गोत्र 16। तो कई लोग गोत्र लिखने लगे, भाई डिफाइन अलग अलग कर रहा है ना। अभी 16 जने हैं, 16 बोलेंगे 16 अग्रवाल है, और हमको अलग अलग पहचानना तो क्या करेंगे। गोत्र के बाद में गोत्र चलता था, फिर सिकंदर ने हिंदुस्तान पे आक्रमण किया, वो तक्षशिला से आके वापस चला गया और अपने सेनापति शैली को उसको छोड़ गया और इंडिया को लूटो। तो उस समय सबसे रिच कौन था? पाटलिपुत्र, पटना। पटना में शासन किसका था? नंद, बाद में चंद्रगुप्त मौर्य आया। तो उस समय उसने बोला भाई चलो उधर ही चलते, उधर ही माल है। तो उसने जो उस गया तो रास्ते में अग्रोहा आया, जो हम लोग का नेटिव प्लेस अग्रोहा, हम लोग का अग्रवालों का राज्य था जहाँ पे महाराज अग्रसेन राज करते थे। तो उन्होंने उसको लूटा, जलाया, आज भी वहाँ पे कई टीले पड़े हुए जले हुए और खुदाई हो रही है और रिसर्च करते हैं और कॉइन भी निकलते हैं अग्रोहा के। तो वो ना, तो उधर से हम लोग के सब लोग चारों दिशाओं में फैल गए, बच्चे जो मर गए मर गए, तो बच्चे वो भाग गए। तो कुछ गए सर पंजाब, पंजाब वाले अभी भी गोत्र लिखते हैं मोस्टली, जैसे आपको जिंदल है ना एक, इसे गोत्र लिखते ज्यादा करके। कुछ गए राजस्थान,
वहाँ पे उनका सरनेम बिजनेस या प्लेस के नाम से पड़ गया। जैसे लोहिया सरनेम है तो लोहार का धंधा करता है, बजाज सरनेम है तो कपड़े का धंधा करता है। बजाज का कपड़े से कैसे रिलेटेड हुआ? नहीं, बजाज का तो एक कॉमन जनरल नाम है। अच्छा, जनरल नाम है बजाज, मीन्स कपड़े का व्यापारी। अच्छा, बजाज ऐसा उठपटा क्यों है वो मुझे नहीं मालूम, पर बजाज मीन्स कपड़े का व्यापारी। अच्छा, एनी बजाज, चाहे बजाज सरदार जी में भी देखा मैंने, बरदार कितने कम्युनिटी में देखा, सिंधी में देखा मैंने, पंजाबी में देखा, तो वो बजाज मीन्स कपड़े का व्यापारी। अच्छा, इट्स ए जनरल टर्म। व्हाट अबाउट मित्तल सर? मित्तल गोत्र है हम लोग का। नहीं तो उनका किस तरह का मतलब वो, अच्छा गोत्र नहीं, नहीं गोत्र में कुछ नहीं, गोत्र में व्यापार से लेना देना नहीं, गोपत में कोई स्पेशलिटी नहीं है। समझ गया। अच्छा, अलग अलग बोला है, लिखा हुआ रिटर्न हिस्ट्री तो है नहीं, इट्स कॉल्ड एंशिएंट, एंशिएंट मींस हिस्ट्री व्हिच हैज गॉट नो डेट। एब्सोल्युटली, यू डोंट नो द डेट। एब्सोल्युटली, इफ यू नो द डेट इट इज हिस्ट्री, इफ यू डोंट नो द डेट इट इज एंशिएंट हिस्ट्री। एब्सोल्युटली, 2600 ईयर्स के पहले का नहीं है, नहीं है। और 2600 पहले गौतम बुद्ध हुए थे, 2500 के आसपास, और 2600 के करीब महावीर स्वामी हुए, बस उसके पहले का डेट नहीं। वो अच्छे से याद, उसी के 2600 के ऊपर 2002 में वो 5 रुपए के कमोडिटी कॉइन्स इशू करे थे, उनके पहले के सिक्के भी नहीं, नहीं है, करेक्ट, सिक्के चलते ही नहीं थे, ऐसा समझो। कोई बोल दे महाभारत के सिक्के चलते थे, रामायण में चलते थे, नॉनसेंस, ट्रू ट्रू ट्रू। सिक्के विनिमय होता था ऊपर वाला जाने, करेक्ट, गाय से भी होता था, अनाज से होता था, नमक से, एनीथिंग बटर। जो आपका कारोबार है, आप गेहूं पकाते हो तो आप गेहूं दे दो, आपके पास जो है मैं ले लूंगा, दैट काइंड ऑफ सिस्टम वाज इन एग्जिस्टेंस। वस्तु विनिमय, वस्तु विनिमय, वस्तु विनिमय, मतलब इतनी हिंदी मेरी अच्छी नहीं है। मैं एकदम पागल हूँ, उनको क्या सुना दो, कुछ भी अच्छी चीज सुना दो, ज्ञान की बात सुना दो, मैं सब काम छोड़कर उधर ही बैठ जाता हूँ। वही सर, इसलिए तो कहा मैंने कि मेरी खुशकिस्मती है सर, मैं टीवी सीरियल भी खाली हिस्टोरिकल देखता, बाकी नहीं देखता। बहुत टीवी सीरियल आते हैं, ओनली हिस्टोरिकल। सिस्टर का मैरिज हुआ 1954 में, और मैं था पांचवी क्लास में पढ़ता था, तो सिस्टर के घर पे हम लोग बहुत जाता था। तो सिस्टर की सासू थी, ससुर था, और ससुर की माँ थी, यानी दादी सास बुढ़िया थी, वो मेरे को बहुत प्यार की, मैं भी बहुत खूबसूरत था उस जमाने, तो बहुत प्यार करते थे मेरे को। तो उससे मेरे को पता नहीं क्यों 1 रुपए का बुकलेट लाई कपाट में से निकाल, जो मेरे को एक नोट पड़ गया, सोचो जरा, वो नोट ने तो मेरी जिंदगी बदल दी। पहले तो मैं इसे जमा करता, दैट वाज योर क्या बोलते कि उसको, दैट वाज अ ट्रिगर पॉइंट, ट्रिगर, वहां से वो शुरू हुआ। अभी तो पहले से हो गई थी, हाँ मैंने बताया ना आपको, 1 रुपए कई तरह का आता था, मैं 1-1 के जमा करता था, बट दे वर ऑल रिपब्लिक इंडिया। एब्सोल्युटली, तो ब्रिटिश इंडिया का नोट था वो, तो पहला ब्रिटिश इंडिया का नोट मैंने देखा वो, उनके पास और नहीं था, पर मेरी दूसरी सिस्टर की शादी 59 में, तो उसको मालूम है भाई को नोट बहुत पसंद है, तो उसके ससुराल में बहुत नोट थे ब्रिटिश इंडिया के, वो सब दिखाया मेरे को, दिया एक नहीं है आज तक, एक भी नहीं, यही पॉइंट है, आज तक नहीं दिया। This only I was emphasizing. मेरा अच्छे से वीडियो देखा सर आपके, एक भी वीडियो छोड़ा नहीं है। मेरे को उसी वीडियो में इंटरेस्ट रहता है कि जहाँ कुछ सीखने मिले, जहाँ वो बोलते हैं ना कि इसकी कीमत उतरी है, वो देखता ही नहीं हूँ मैं। सर, यानी सर एक छोटी एट में इंजीनियर बन के निकला जी, 97 महिंद्रास, और ये आपको दिखाऊंगा, सर को तो पता है महिंद्रा हाइट्स जो है ना सर, महिंद्रा हाइट्स, दैट वाज माय फर्स्ट प्रोजेक्ट, यही तो वही तो कह रहा हूँ सर, दैट वाज माय फर्स्ट प्रोजेक्ट, वो हमारे कंपाउंड में ही है, महिंद्रा हाइट्स जिस कंपाउंड में बनाया ना, मैंने बनाई है सूर्योदय मिल कंपाउंड, उसमें हमारा 4 फुट जगह आज भी, दैट वाज माय फर्स्ट प्रोजेक्ट सर, तीन भाई का था, तीन भाई में से एक हातिम ने ले लिया, और बाजू वाला टपरिया का था, टपरिया का तो मिल था अंदर, हाँ मिल की बात कर रहा हूँ। मैं ये काम ठंडा बर्फ में डाल के आपके लिए लाया, क्या बात, अभी मैं नहीं दे सकता, तीन तीन जने, आप उनको दो ना, चलो यार अभी तो भूमिका तो बनने दो, मैं तीन में बांटूंगा, बुकली में खा लूंगा।
आपकी नहीं खाओ गुटली का लाभ मेरे को दे। नहीं नहीं मैं पहला ले लिया सर, मेरे को आशीर्वाद दे दो गुटली आशीर्वाद दो। हमारा आदमी है उसके लिए हम काट के लाऊं, मेरे को हमेशा मद्रास से आता है जी, 20-25 वर्ष हो गया उसके लिए हम लेके खिलाता हूँ। क्या बात है, और हापुस आम जैसा यहाँ मिलता है वैसा कहीं मिलता भी नहीं है रत्नागिरी में, इज फेमस। जाओ जल्दी उसको देखो, जल्दी आओ। अरे सर फोटो 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 फोटो। हम निकले तो थे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मुंबई जाने के लिए, लेकिन इस वीडियो की लंबाई कुछ ज़्यादा ही हो गई है, तो फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं पर देते हैं एक अल्पविराम, क्योंकि सफ़र में हमने भी एक अल्पविराम लिया है। अभी किशोर झुंझुनवाला जी के ऑफिस हम पहुँच चुके हैं, कुछ वक्त यहाँ बिताएंगे और इसके बाद हम वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जाएंगे। तो बाकी के जो किस्से हैं वो हम आपको सुनाएंगे हमारे अगले वीडियो में, तो बने रहें हमारे साथ और देखते रहें द करेंसीपीडिया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने चाहने वालों को शेयर करें और इस वीडियो को लाइक कर दें, और कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स के द्वारा हमारी हौसला अफजाई अवश्य करें। और यदि आपने अभी तक बेल नोटिफिकेशन नहीं दबाया हो तो उस बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें, जो कि सब्सक्राइब का बटन दबाने के बाद आपके सामने स्क्रीन पर आता है, ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए और आप देख पाएं हमारे वीडियो बिना किसी रुकावट के सबसे पहले। आज के लिए बस इतना ही, बहुत ही जल्द फिर मिलते हैं एक नए रोचक अद्भुत और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, आपके अपनों के लिए, हमारे लिए, देश के लिए और दुनिया के लिए। और हाँ, मुस्कुराते रहिएगा, क्योंकि आप कैमरे की नज़र में हैं और ईश्वर आपको देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।